कोटा रेल मंडल के गुडला रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर कैदी द्वारा ट्रेन से कूदने के मामले में गोवा पुलिस की एक टीम ने चिकित्सकों से कैदी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही कैदी से बयान लेने के लिए टीम एमबीएस अस्पताल भी पहुंची। वहीं इस दौरान कोटा जीआरपी थाना पुलिस भी मौजूद रही। ऐसे में परिजनों ने गोवा पुलिस पर कैदी शमशेर को ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी के एक मामले में हरियाणा निवासी शमशेर के खिलाफ गोवा के पौड़ा थाने में मामला दर्ज था। ऐसे में गोवा पुलिस की टीम हरियाणा से आरोपी शमशेर को लेकर निजामुद्दीन बड़गांव राजधानी एक्सप्रेस से गोवा लेकर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी गुडला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के धीमे होते ही ट्रेन से कूद गया और घायल हो गया। अब तक इसको एडमिट करा रखा है। 20 तारीख को ये गोवा पुलिस इसको गोवा लेके जा रही थी, दिल्ली से लाई थी इसको, और ये अपने गुडला स्टेशन के आसपास जो इनके गिरफ्तार कर रखा था, आईओ साथ में था, इनको झांसा देकर ये ट्रेन से कूद गया। और उसके बाद हमें सूचना मिली तो वहाँ से इसको लाए और इसको एडमिट कराया है कोटा हॉस्पिटल में। अभी तक इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं, इसके संबंध में गोवा पुलिस के तो जांच चल रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया इसके खिलाफ। जैसा भी होगा वैसे कार्रवाई करेंगे।